अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ए क्यू टी वी। मैं हूँ सैयद मुसाविर अली जंजानी और आज का जो प्रोग्राम है आपकी सालगिरह का, आप लोगों को आपकी सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ए क्यू टी वी की पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से आप लोगों को भिजवाया जाएगा आपकी सालगिरह का तोहफ़ा। तोहफ़ा मंगवाने के लिए मेरा मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझे भिजवाएंगे अपनी सालगिरह की आज की तारीख का दिन, अपना मुकम्मल पता, ताकि आप लोगों को आपकी सालगिरह का तोहफ़ा आपके एड्रेस के ऊपर रूहानी जेमस्टोन की सूरत में भिजवा दिया जाए। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं अपनी सालगिरह के बारे में मज़ीद, तो आप जंजानी टीवी का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको भी ओपन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सालगिरह में छुपे हुए कुछ और राज उस चैनल के ऊपर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे जानना चाहें कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, आप लोगों का हफ्ता कैसा रहेगा और टैरो रीडिंग्स के मुताबिक आपका महीना कैसा रहेगा, वो भी आपको जंजानी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो करना सिर्फ इतना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में से जंजानी टीवी का लिंक ओपन करना है और उसको सब्सक्राइब करना है। आइए देखते हैं कि आज के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं उन लोगों की पर्सनालिटी और खसूसियत क्या कहने जा रही है। 25 जून के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं आप लोगों की बेसिकली ज़ात और पर्सनालिटी, एक तरह की लोगों की मुश्किलात का हल आपके पास हमेशा रहता है। आप बेसिकली ज़िंदगी में दूसरों के लिए एक फिक्सर की हैसियत रखते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि हर उस फर्द के लिए जो आप तक रसाई रखता है किसी न किसी ज़रिए से। जैसे कि किसी भी फ़र्द को ज़िंदगी के किसी भी शोबा है ज़िंदगी से कोई प्रॉब्लम हो और उसको हल ना मिल रहा हो, तो सबसे पहला जो शख्स उसके जहन में आता है वो आपके सिवा कोई और नहीं होता। आपके पास बेसिकली ज़िंदगी में इतना कुछ भरा पड़ा है तजर्बात का, इतना कुछ नॉलेज आप ज़िंदगी में हासिल करते हैं कि आपके पास चाहे किसी भी शोबे का कोई फ़र्द क्यों ना आ जाए, आप उसकी मदद लाजमी तौर के ऊपर करते हैं और आपको बेसिकली लोगों के मसाइल का हल तलाश करना और उनको आसानी फराहम करने से रूहानी तौर के ऊपर खुशी मिलती है। आपको चाहे अपने कामों को पसे पुश्त डालना पड़े, उनको थोड़ा सा अधूरा छोड़ना पड़े, लेकिन आप दूसरों का दुख किसी भी तौर के ऊपर नहीं देख सकते। इसके साथ साथ आप ज़िंदगी में क्योंकि थोड़े से जज्बाती वाकया हुए हैं, इमोशंस थोड़ा सा कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल रहता है ज़िंदगी में, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तल्ख हालात हों तो आप इमोशंस की रोह में बहने की बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी जानते हैं। इसके साथ साथ जब बात आती है किसी भी तौर के ऊपर अपने ख्यालात को शेयर करने की, अपनी सोच को दूसरे फर्द तक पहुंचाने की, क्योंकि दूसरे अफराद तो आप तक आते साथ ही अपनी हर परेशानी जो है आपके सामने खोल के रख देते हैं, चाहे वो कितना ही पचीदा मसला क्यों ना हो, चाहे वो ऐसा ही मसला क्यों ना हो कि वो इवन अपनी ज़ात से भी उसको शेयर ना करते हो, लेकिन जब आप तक आते हैं तो अपनी हर पर्सनल से पर्सनल बात भी आपकी ज़ात को उसी तरह बताते हैं जैसे कि एक डॉक्टर के पास आके मरीज़ अपनी हर परेशानी बताता है। तो आप बेसिकली लोगों के लिए एक रूहानी मालिज की हैसियत रखते हैं। आपकी ज़ात जो है जब अपनी बारी आती है कि आप किसी के साथ अपने मसाइल को शेयर करें, आप अपनी सोच को जब किसी के साथ शेयर करें, तो आप अपने ख्यालात को इतनी आसानी से दूसरों के ऊपर आश्कार नहीं होने देते। आप हमेशा अपने जज्बात को अपने सीने के साथ लगा के रखना चाहते हैं और बहुत कम अफराद ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम या अपने ख्यालात को शेयर करें। जब बात आती है रिश्तों की और मोहब्बत की, तो रिश्तों और मोहब्बत में बेसिकली आप काफ़ी हद तक एहसास करने वाले वाकया हुए हैं, आप दूसरों का भरपूर एहसास करते हैं, तभी दूसरे आपके साथ अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में जब बात मोहब्बत की आती है, तो मोहब्बत के हवाले से ज़िंदगी में आप किसी ऐसे फ़र्द की तलाश ही करते हैं जो किसी न किसी तौर के ऊपर आपकी ज़ात में छुपे हुए पोशीदा राजों को भी समझने का हुनर रखता हो। उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपनी ज़ात और अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से परखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।